नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको मैक्रम बता रही हूँ। और मैक्रम की नोट्स में मैंने कुछ नोट्स आपको बता दी, और आज जो हम ये बना रहे हैं वो आप शेप में देख रहे हैं। इस तरह से ये टेढ़ी टेढ़ी हैं, मतलब डायगनल शेप इसमें जा रहा है, और इसीलिए इसका नाम है डायगनल डबल हाफ हिच नॉट। मतलब डायगनल चल रहा है ये, और एक इधर भी है और इस साइड, एक लेफ्ट साइड से भी हम लेंगे और राइट साइड से भी लेंगे, इसलिए इसको डबल हाफ हिच नॉट कहा है। इसमें आप ये देखेंगे आखिर में कि इसमें पांच स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो पांच स्ट्रिंग्स जो है वो मैंने इसमें पहले ही नॉट्स लगा रखे हैं, दो इधर और तीन एक तरफ, और इनको पीछे से हम जो है वो गरम करके और फिनिशिंग कर देंगे। तो ये जो है डायगनल डबल हाफ हिच नोट, इसको बनाने के लिए इस तरह से ये बनेगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये डायगनल है, तो एक दो तीन चार, मतलब दो, एक येलो फिर ब्लू फिर येलो फिर ब्लू, ये चार हमको चाहिए, और इनके अंदर एक डायगनल जो डिज़ाइन यूं यूं चलेगी वो कुछ इस तरह से चलेगी, इस तरह से, इस तरह से ये अंदर की तरफ चलेगी। ये अंदर इसका बेस वाली स्प्रिंग हो जाएगी और ये इसके ऊपर का हो जाएगा। अब हम इसको राइट साइड में लेंगे और यूँ सोचेंगे कि हमको ये तिकोना बनाना है, तो इतना हमको टेंशन देना है इन डोरियों पे। तो सबसे पहले हम ब्लू डोरी लेंगे और ब्लू डोरी ऊपर से लेके इसमें अंदर से निकाल देंगे, और बिल्कुल सिंपल, और वापस से ये ऊपर से जाएगी और बीच में से वापस से, ये पहले सिंपल सी आई और वापस से उसी तरफ से निकाल के और राइट साइड में इसको खींच के और छोड़ देंगे इस तरह से। फिर वापस से जो येलो है वो हम लेंगे, हम ये देखेंगे इसको डायगनल बनाना है इसलिए हम इसको इसी तरह से रखेंगे। अब येलो वाले को ऊपर से लेके अंदर से निकाला इस तरह से, और वापस से ये ऊपर जाके और अंदर की तरफ से निकलेगी। थोड़ा सा इसको खींच के रखेंगे कि डायगनल हो जाए, और फिर जो दूसरी वाली गठान लगी है नॉट जो कि इसको फिक्स करेगी इस तरह से, ये पूरा डायगनल आना चाहिए। फिर तीसरी जो स्ट्रिंग है वो हम ब्लू लेंगे वापस, वो भी ऊपर से अंदर की तरफ जाएगी, बिल्कुल सिंपल जो एक नॉट होती है वो हमने सिंपल नॉट लगाई, लेकिन ये खुल जाएगी इसलिए हम इसको ऊपर से डालेंगे, वापस से अंदर से इसको लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये अपन को टेढ़ा रखना है, इसलिए ये धागा यूं ही रहेगा अंदर वाला। इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ जो ये नॉट लगा इसको थोड़ा सा ये दबाएंगे और इसको खींचेंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। फिर उसके बाद में लास्ट वाला येलो, मतलब हम इसमें पाँच छः कितने भी तार ले सकते हैं। ये है येलो वाला, ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आने के बाद में जो बेस वाला येलो पार्ट है उसमें, और वापस से इसको ये फिक्स करने के लिए हम एक बार और जो है वो स्ट्रिंग डालेंगे और इसको पकड़ के और टाइट कर देंगे। ये इस तरह से टेढ़ा सा हो गया। अब हम इसको यूं लेंगे, यूं लेने के लिए हमारे पास में ये येलो सबसे पहले आया, तो पहले हमने यूं लिया था, अब मैं जो है वो इसमें आया है ना कि दोनों तरफ हिच। अब ये ऊपर से आके, ये वाला तार कौन सा है, ये हमारा बेस तार है, ये बेस को हमने इधर ले लिया। अब ये येलो जो चौथा वाला था ये अब फर्स्ट बन गया, ऊपर से गया अंदर की तरफ और इसको थोड़ा सा तिकोना सा कर दिया, और तिकोना करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा हम पकड़ के रखेंगे और इसको वापस से ऊपर से बेस वाले तार पे से निकालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे। पहली बार में ये क्योंकि प्लास्टिक की है
तो ये चिकनी होती है तो फिसल भी जाती हैं और उधड़ भी जाती है। फिर हम इसको पकड़ के और थोड़ा सा टाइट कर देंगे, इस तरह से खींचेंगे। ये टाइट हो गया। अब सेकंड वाला हम लेंगे ब्लू कलर, ये ऊपर से गया और अंदर की तरफ निकला। अंदर की तरफ निकलने के बाद में इतना टेंशन देंगे कि ये तिकोना रहे, वापस से ऊपर की तरफ से जाके अंदर की तरफ से निकलेगा। ये जो येलो वाला है ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसको छोड़ के और वापस से सबको पकड़ लेंगे और इस तरह से इसको खींचेंगे। ये हमको खींच खींच के रखना है और ये फिक्स करनी है। उसके बाद में ये येलो वाला आएगा, ऊपर से आया और अंदर से निकल गया इस तरह से। इसको भी इतना टेंशन देना है कि ये तिकोना आ जाए। और उसके बाद में हम वापस से येलो को ऊपर से अंदर की तरफ निकाल लेंगे। जो बेस वाला पार्ट है उसको हमको नहीं छेड़ना है, बस खाली जो दूसरा वाला येलो था, मतलब जो इधर से सेकंड था, तो अब ये सेकंड लास्ट हो गया। इसको पकड़ के इसको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। अब जो लास्ट है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का तार लिया, ऊपर से अंदर की तरफ गया और अंदर जाके इस तरह से हो गया। फिर हम इसको थोड़ा पकड़ लेंगे जिससे कि ये जो धागा है वो इधर नहीं हो। और उसके बाद में वापस से ऊपर से ये अंदर की तरफ इस तरफ से निकल जाएगा। ये सारे तार इस तरफ आएंगे, ये चारों, इनको टाइट कर लेंगे और इनको सेट भी कर देंगे। पास पास में जगह नहीं होनी चाहिए, यूं बिल्कुल इस तरह से हो गया। अब अगर हम इसको यूं करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। वापस से हम इसको यूं लेंगे और जो ब्लू कलर का तार है वो ऊपर से जाके अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ जाके इसको तिकोना बनाया। तिकोना बनाने के बाद में वापस से ऊपर जाके और एक बार और निकला इधर से। और उसके बाद में हम इसको थोड़ा फिक्स कर देंगे। प्लास्टिक का है इसलिए ये फिसलता है। इसको थोड़ा तिकोना रहने देंगे और इसको ये वाली जो है ऐसे ये यहाँ से पकड़ा और इसको थोड़ा खींच दिया। ये सेट हो गया थोड़ा बहुत। इस येलो वाले को निकालो थोड़ा सा, फिर जब दो तीन आ जाएगी फिर फिक्स हो जाएगा। फिर ये येलो वाला ऊपर से आया, अंदर से निकला। ये हमारे को डायगनल बनानी है इसलिए इसको थोड़ा टेंशन में रखेंगे। वापस से ऊपर से गया और इस तरह से वापस से ऊपर से गया और ये बिल्कुल सिंपल नॉट है इस तरह से। ये दोनों हो गई। फिर वापस तीसरा वाला जो ब्लू है वो भी इस डायगनल वाले तार को डायगनल शेप में रखते हुए वापस से इसमें हमने एक सिंपल और दूसरी टाइट के लिए एक नॉट दे दी। फिर ये चौथा वाला जो तार है वो येलो कलर का, वो इसको तिकोना बनाने के लिए इस तरह से हो गया और वापस से ऊपर से जाके और अंदर की तरफ आने के बाद में ये इसको टाइट कर दिया। अगर मान लो ये लग रहा है कि तिकोना नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा खींच लें, इसको भी खींच के रखें, इसको भी खींच के रखें और इनको खींचने, मतलब इसका शेप रहना चाहिए। एक बार आ जाएगा फिर नहीं हटेगा, फिर इनको सबको खींच लिया। ये वापस से करना है तो वापस से हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इस तरह से बन जाएगा ये, इस तरह से। ये क्या है कि जब ढीला होएगा तो इस तरह से हो जाता है। अभी हमने अभी बनाया है, टेंशन में है इसलिए खींच खींच के आ रहा है, फिर ये आ जाएगा, फिर वापस से इस तरह से आ जाएगा और आखिर में जो इसके एंड्स हैं वो एंड्स हम इस तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ये बना डायगनल
डबल हाफ हिच नॉट, और वो जो है वो इस तरह से बनता है। थैंक यू।